कहाँ रोहित? कहाँ जा रही हो बिंदिया? ऐसे क्या देख रही हो? इट्स मी रोहित, तुम्हारा रोहित। मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, वो पर तुम? अरे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आने में सुबह के 4-5 बज जाएंगे, लेकिन भगवान से तुम्हारा इंतजार देखा नहीं गया और उन्होंने मेरा पैकअप जल्दी करवा दिया, तो मैं अपनी बिंदिया के पास आ गया। लेकिन तुम बताओ, तुम अभी इस समय कहाँ जा रही थी? मैं कहाँ जाऊंगी, बस वो नींद नहीं आ रही थी और तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। बिंदिया, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। थैंक यू माँ, जो आपने मुझे इतनी प्यारी बीवी दी। बात चले, देखो बाय डिफॉल्ट ही सही, लेकिन आज हम दोनों को मौका मिला है, सो हम दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। 11:35 भी हो गए, तुम मुझसे कुछ कहना पता है बिंदिया, जो मैंने नया ट्रैक लिखा है ना, वो सबको बहुत पसंद आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारा शो शायद नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। सच में यार, लाल रंग तुम पे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। क्या बिंदिया, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारी शादी की पहली रात। पता है बिंदिया, आज का दिन तुमने मेरे लिए बहुत स्पेशल बना दिया है, क्योंकि आज तुमने मेरा मनपसंद रंग लाल पहना है। क्या बात है बिंदिया, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे वाकई में तुम एक नई दुल्हन हो। रोहित, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? पर साल में तो तुम कह रही थी कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। प्लीज रोहित, सो जाओ। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं 12 बजने। बिंदिया, आज तुम्हें आना ही होगा, अगर आज तुम नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें छीन कर ले जाऊंगा और सबसे कह दूंगा कि बिंदिया सिर्फ और सिर्फ मेरी है। Thank you.
अगर तुम 12 बजे तक आओ तो मैं ठीक 1 बजे सबके सामने तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं आऊंगी, मैं आ रही हूं। अगर इसी से मेरा घर बचा रह सकता है तो ऐसा ही सही। मैं आ रही हूं तुमसे मिलने होटल ब्लू लगून में। यहाँ कोई औरत आई थी लाल साड़ी पहनकर, कहाँ गई वो? इस तरफ। इस तरफ बिंदिया रानी, तुम्हें क्या लगा कि घर पर सब सो रहे हैं और किसी को तुम्हारी इस हरकत का पता तक नहीं लगेगा? लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि तुम्हारा पाला कोकिला से पड़ा है? I don't feel bad. जानकी, 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 तू है माँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं, एक्चुअली जानकी कहीं दिख नहीं रही थी, कमरे भी नहीं थे तो उसे ढूंढ रहा था। आज फिर नहीं है वो? घर से बाहर तो नहीं गई? खैर छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? जो अपने कमरे में जाकर आराम करो, अब ये तो रोज की बात हो गई। माँ, छोटी सी बात को बढ़ाना बंद कर, नहीं कहीं होगी, इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? मुझे क्या पड़ी है बढ़ाने घटाने की? तुम्हारी पत्नी है, करो उसका इंतजार, मुझे क्या है? नहीं तो कहाँ है जानकी, इतनी रात को जा कहाँ सकती है?
बिंदिया तुम आगे आगे बढ़ गई है। हमारे घर की बहुरानी ऐसा किनौना काम। वाह बिंदिया रानी वाह, कैसे बेझिझक गैर मर्द के कमरे में चली गई। डोंट फील बैड बिंदिया, लेकिन आज मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मीव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मीव बन्धनान्। जानकी, ये सब क्या है जानकी? वो मैं पूजा कर रही थी। पूजा? जानकी मैं कब से परेशान हो रहा हूं, पूरे घर में ढूंढ लिया तुम्हें और तुम यहाँ ये, और ये कौन सी पूजा जो टेरेस पे की जाती है? वो क्या जानकी, ऐसी कौन सी पूजा जो आधी रात को की जाती है? जानकी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। जानकी तुम्हारी खामोशी अभी चुभने लगी है मुझे। कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? अब समझ रहा हूं मैं तुम्हारी इस पूजा का मतलब। जानकी तुम मेरे साथ से, मेरे प्यार से ऊब चुकी हो। तुम नहीं चाहती कि हम अकेले में एक साथ वक्त बिताएं, इसलिए तुम ये सब। जानकी एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कह दिया होता जानकी कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में ऐसे सोचने लगी, मैं खुद ब खुद तुमसे दूर चला जाता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मत कहो सर। क्यों नहीं खून जानकी? क्यों जानकी, क्यों नहीं कहूं ऐसा? कब से तुम चुप हो? मैं बार बार तुमसे सवाल करता रहा, लगातार तुमसे पूछता रहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा तुमने। गलती मेरी है जानकी कि मैं खुद अपनी जानकी को समझ नहीं पाया और इसी बात में मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है।
जानकी, जानकी, क्या हो गया मेरी जानकी को? क्यों कर रही है मेरे साथ वो ऐसा? क्यों? हो गया बिंदिया, बेशरम, अब तो बाहर आओ।